जय श्री राम जी। कहाँ से आया, कहाँ से आया? भजन तो लग रही होगा, नीचे पटक ले तोड़ सकते रख कर आओगे जी। फिर कहीं हो सुन भाई, अब कई पत्ते हो जाए 1500 मिले जब तो कोई बात नहीं, नहीं आनंद करो जब तो। राम प्रसाद की बांध देन सबके बंद गए जब तो आनंद करो। गिर जाएगी इसमें तो। हेलो दोस्तों, सत्यनारायण कुशवाहा का राजस्थान की धरती से प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं पहुंचा हूं नया गांव में, अभी सुबह के 9 बजे होंगे। मैंने यहां का नज़ारा देखा, एक दो बुजुर्ग व्यक्ति मिले हैं तो मैं दिखाता हूं आपको गांव का नज़ारा तो किस तरह का है। चलते हैं आगे। क्यों गांव में कोई आदमी नहीं है, क्या बात है? कोई नहीं है तो कहां गए हैं? यही तो क्या करने गट्टा लेवा, भारा लेवा। अच्छा, ये पशुओं के लिए चारा लेने? अच्छा हाँ, तो कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे? कोई नहीं मिलेगा। अच्छा तो अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि जैसे यहाँ पे सबके ये कच्चे मकान नजर आ रहे हैं, तो मतलब क्या यहाँ इंदिरा आवास नहीं आया, क्या कारण है? एक गांव गिनती में नहीं है, गिनती में भाई इंदिरा आवास। क्या क्या बोल रहे हैं आप? गिनती में नहीं है ये गाँव। गिनती में कैसे नहीं है, मतलब आया ही नहीं कोई नहीं? अच्छा किसी के नहीं आया? अच्छा आया नहीं। अम्मा जी पेंशन मिले कि नहीं मिले? मिले क्या? मिले कत नहीं मिले? अब कई पत्ते हो जाए 1500 मिले जब तो कोई बात नहीं, नहीं। आनंद करो जब तो। राम प्रसाद की बांध देन सबके बंद गए जब तो आनंद करो। नहीं इनकी तो नहीं बनेगी, इन नहीं बनेगी अभी उम्र नहीं है। जब उम्र वो तो इसे नहीं ना 60 पे बने, 60 साल की जब उम्र हो जावे नहीं तब जाके पेंशन बने। हमारे कितने साल की? तुम्हारी तो कितनी हो, तुम्हारी बंद रही है, तुम्हें कहीं परेशानी? जय श्री राम जी। कहाँ से आया, कहाँ से आया? भजन तो लग रही होगा, नीचे पटक ले तोड़ सकते रख कर आओगे जी। फिर कहीं हो सुन भाई, जैसे मैं यह पूछ बता रही हूँ आपसे कि जैसे भाई इंदिरा आवास क्यों नहीं आया, क्या कारण रहा है? की है या तो कमी? वही तो कह रहा हूँ भाई, ग्राम से भाई जैसे यहाँ पे अपना क्षेत्र का कोई नेता या अधिकारी जो भी होगा तो वो कभी तो आता है, जैसे बड़े बड़े अधिकारी है, जैसे बड़े अधिकारी कलेक्टर है या विधायक है, सांसद है, तो वो भी तो कभी कभी यहाँ पे आते होंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे, ध्यान ही नहीं दे गाँव पे, ध्यान नहीं दे। अच्छा लगा सब बरसात निकल गई, हवा में ही है। अच्छा अच्छा और गए तो मतलब ये तो भाई अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो ये तो ये दीवारी गिर जाएगी। घर है तो घर है, दबंगा था दबंगा भी थोड़ी आ रहा है, इसमें तो पन्नी लगी हुई है, पन्निया लगेगी सही लगा रहा की पन्निया तो। अच्छा एक बात पूछना हूँ आपसे, जैसे मतलब गवर्नमेंट से आप क्या मांग करना चाहेंगे? गवर्नमेंट हमें ये पक्का मकान सब दे रही, हम दे दी। अच्छा भाई मांग तो यही है गाँव ना। अच्छा आपको पेंशन मिलती कि नहीं मिलती? पेंशन तो मिले, पेंशन मिल रही, ठीक है। पेंशन तो पुरानी मिले नहीं। अच्छा मकान ही कच्चे हैं? मकान तो कर दी। आगे चलते हैं इसके बाद में, यहाँ पे पब्लिक तो कम मिली है फिर भी आगे चलेंगे और यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं तो कैसा गांव है और कैसे मकान है। सब जितने भी मकान हैं जितने कच्चे हैं, और आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। और ये गांव में अक्सर ऐसी जगह देखने को मिल जाती है, ये देखो। तो दोस्तों मैंने सोचा कि गांव का कुछ भ्रमण भी करा देता हूँ आपको और थोड़ा वीडियो शूट करने लगा हूँ चलते हुए। तो यहाँ पर गांव इस तरह से हैं, अक्सर गांव सभी इस तरह के होते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ जगह पे कच्चे मकान होते हैं, कुछ जगह पे पक्के होते हैं, बाकी यहाँ पर। तो दोस्तों मैं अभी आया था नया गांव में, और यहाँ पे आने के बाद में देखा मैंने कि यहाँ पे पब्लिक अभी अभी जब मैं आया हूँ उसके बाद में पब्लिक यहाँ पर आई है। शायद ये जो मवेशी के लिए चारा वगैरह होता है तो वो लेने चले गए थे। और तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, जो मैंने इन ग्रामीण लोगों की समस्या दिखाई है और जो कच्चे घर दिखाए हैं। जितना भी हो सके जितना वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन
लोगों को लाभ मिल सके और फायदा हो सके। मैं आपका दोस्त सत्यनारायण, धन्यवाद, थैंक यू जी, ओके।